हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है निसर्ग और मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ तू कितनी अच्छी है ये सॉन्ग पियानो पे कैसे बजाते हैं। तो पहले मैं इसकी लाइनें बजाऊंगा और फिर आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि कैसे बजाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए बजाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन है तू कितनी अच्छी है, स्लो में देखते हैं। नोट जानते हैं, तीन बार सी ए शार्प सी ए शार्प। तो अभी इसकी सेकेंड लाइन है तू कितनी भोली है। तो ये जो सेकेंड लाइन है हमें सेम फर्स्ट लाइन जैसी बजानी है, तू कितनी अच्छी है। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक बार बजा के दिखा देता हूँ, आपने ध्यान दिया रहेगा फर्स्ट और सेकेंड लाइन एकदम सेम बजी है। अभी नेक्स्ट लाइन है प्यारी प्यारी है, स्लो में देखते हैं। नोट जानते हैं, ए शार्प सी शार्प जी सी जी शार्प ए शार्प ए शार्प। तो अभी इसके आगे है ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा, पहले आपको मैं बजा के दिखा देता हूँ। तो इस लाइन को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, इसको स्लो में देखते हैं। जानते हैं सी शार्प सी डी शार्प। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, लो में देखते हैं। नोट्स जानते हैं सी शार्प सी डी शार्प। अब इसका थर्ड पार्ट आपने ध्यान दिया रहेगा, इस लाइन में जो फर्स्ट पार्ट था और थर्ड पार्ट है दोनों सेम है। तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, स्लो में देखते हैं थर्ड पार्ट को। नोट जानते हैं सी ए शार्प सी डी शार्प। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, स्लो में देखते हैं। नोट्स ए शार्प जी शार्प। इस तरह से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो चुका है। तो बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की ओर। तो सेकंड पैराग्राफ के बोल हैं कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा। तो ये जो मैंने अभी बोला वो हमें सेम फर्स्ट पैराग्राफ जैसा बजाना है। मैं सिर्फ आपको एक बार बजा के दिखा देता हूँ। तो अभी नेक्स्ट लाइन है दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, स्लो में देखते हैं।
नोट्स जानते हैं, सी जी शार्प, ए शार्प, सी सी, तीन बार डी शार्प, सी डी शार्प, सी शार्प, सी, दो बार ए शार्प, सी जी शार्प। तो अभी नेक्स्ट लाइन है, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मतलब ये नेक्स्ट लाइन नहीं है, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, ये हमें दो बार बजाना था। तो अभी सेकंड बार हमें थोड़े चेंजेस कर रहे हैं, सिर्फ एक नोट का ही चेंजेस है, बाकी सब सेम है। तो हमें चेंजेस कैसे करना है, किसमें करना है, पहले हम दुखन ऐसे बजाते थे, दुखन ऐसे बजाते, अबे हाँ अभी हमें सिर्फ इतना बजाना, ऐसे बजाना है, ऐसे, बाकी तो सब सेम है। अभी नेक्स्ट लाइन है, मेरे लिए जागे है तू सारी सारी रतिया मेरी निंदिया पे। तो इस लाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, स्लो में देखते हैं, नोट्स जानते हैं, ए शार्प, पांच बार ए शार्प बजाना है, बाद में सी, ए शार्प, जी शार्प। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड पार्ट, सारी सारी रतिया मेरी निंदिया पे। ये जरा आप ध्यान से देखिएगा, सारी सारी रतिया, स्लो में दिखाता हूँ। नोट जानते हैं, दो बार सी, दो बार ए शार्प, तीन बार जी शार्प, तीन बार सी, ए शार्प, सी, ए। तो सारी सारी रतियां और मेरी लिंदिया पे, वो हमें वो दो लाइन के बीच में हमें ज़रा भी गैप नहीं रखना है, एकदम हमें स्पीड में वो तब बजाना है, ज़रा भी गैप नहीं रखना है, लगना ही नहीं चाहिए कि सेंटेंस चेंज हुआ है, ऐसे। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अभी आगे जितनी भी लाइनें आएगी वो हमें सेम प्ले करनी है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन सी लाइनें हमें सेम प्ले करनी है और कैसे प्ले, इसके जैसे प्ले करनी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लाइन आती है, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है, ओमा ओमा। वो हमें सेम, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मैं मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, वैसे ही सेम प्ले करनी है। और उसके बाद भी माँ बच्चों की जान होती है, वो भी हमें दुखन लागी जैसे ही प्ले करनी है। इस तरह से हमारा गाना पूरा सीख कर हो चुका है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।